Hi everyone, welcome back to my channel. This is Shweta and today I'm going to share my travel blog of Jaipur. This city was so beautiful. I have been there for the first time and मेको इतना मज़ा आया वहाँ पे कि क्या ही बताओ, मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का. इतना सुंदर जगह है. मैं दिल्ली में रहती हूँ पर मुझे दिल्ली से ज़्यादा सुंदर जयपुर लगा. मतलब बहुत अच्छा है वो. जहाँ देखो वो राजा महाराजाओं के घर जैसी ही फीलिंग्स आती है. मतलब हर किसी के घर में भी वो थोड़ी सी तो फोर्ट वाली मतलब डिज़ाइन होती ही है. हम लोग वहाँ पे काम की वजह से गए थे और फिर जल्दी से काम ख़त्म कर लिया टाइम से पहले और फिर हम गए घूमने के लिए. और ये फर्स्ट डे ये नाहरगढ़ फोर्ट है. इसके लिए हम एटलीस्ट 5 o'clock इवनिंग में निकले होंगे. और यहाँ से देखिए इसका व्यू, यहाँ से पूरा नीचे दिखता है. ये सिटी है, सिटी का व्यू है. सच ब्यूटीफुल. और रात में तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, जैसे कि आसमान हो तारों से भरा हुआ. बहुत सुंदर है. फिर हम यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, काफ़ी इंजॉय किया. उसके बाद इसके ऊपर एक रेस्टोरेंट है जहाँ जाने के लिए यहाँ पे 100 की टिकट्स लेनी पड़ती है. और ऊपर जो रेस्टोरेंट है, दिस इज़ द वे फॉर द रेस्टोरेंट. एंड वहाँ पे फूड की ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है, ओनली स्नैक्स आर अवेलेबल एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑल्सो. फूड की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. हम लोगों ने मोमोज और कुछ स्नैक्स ऑर्डर किया था बट उतनी अच्छी नहीं थी. और वहाँ पे सिटिंग का अच्छा अरेंजमेंट है और आप प्राइवेट प्लेसेस भी बुक कर सकते हैं. आप देख रहे होंगे इसमें एक कपल बैठी हुई, उन्होंने प्राइवेटली बुक किया होगा वो प्लेस. और यहाँ से जो व्यू है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है. दिस इज सो ब्यूटीफुल और आई इन्जॉयड अ लॉट एट देयर. अभी हम लोग चिल कर. यहाँ पे एक गिटारिस्ट आते हैं जो म्यूजिक भी प्ले करते हैं और बहुत सारे टेबल के पास जाके म्यूजिक प्ले कर रहे थे. यू कैन गिव देम अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड दे कैन प्ले. एंड दिस इज़ द मार्केट विच इज़ completely in a pink, so it's a pretty. और अभी हम जा रहे हैं राज मंदिर एक मूवी देखने, जो हमने मूवी बुक करा हुआ है सूर्यवंशी. और राज मंदिर काफ़ी pretty है. यहाँ की इंटीरियर इतनी सुंदर है, लाइट्स बहुत सुंदर है. बहुत मैं पहली बार ये सब देख रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. और क्राउड देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा है. और ये हमारी मूवी स्टार्ट हो गई. और जब ये इंटरवल हुआ था तो इसमें लाइटिंग्स का ऐसे इफ़ेक्ट है, हमेशा ये लाइट्स चेंज होते, कभी पिंक कभी पर्पल कभी ब्लू. और वी आर सिटिंग हियर एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे. And we are also going for some places which is remaining to visit. So one of the places is Hawa Mahal. ये हम गए नहीं है, रास्ते से हमने सूट किया. और this is the place City Palace, जहाँ पर हमको बहुत मन कर रहा था जाने का और हम आ गए. ये भी काफ़ी pretty है. और यहाँ पर भी एंट्री के लिए शायद यहाँ पर डिफरेंट कॉस्ट है. और कहीं का 200, उसमें आपका एरिया कवर्ड है कि इतने में आप यहाँ जा सकते इतने में यहाँ जा सकते. तो हमने शायद 100 या 200 की टिकट ली थी, मुझे एक्चुअली याद नहीं है. और दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द पैलेस, सच अ प्रिटी. मुझे इतना सुंदर लग रहा था यहाँ पे आके, मन कर रहा था यहीं बैठूँ बहुत सारे देर. कितने अच्छे से बनाया गया है ये सब जगह को, बहुत सुंदर है ये सब. हेलो हेलो. सो राइट नाउ वी आर एट सिटी पैलेस म्यूजियम एंड दिस इज सो प्रीटी.
दो वहीं पर रखा हुआ है। राइट हाफ दो कहाँ गया? हटा दिया है हमने अभी लगता है। अरे इस लेक का पानी क्यों सूख गया? So now this is our last destination because we have to leave for train और 4 बजे हमारी ट्रेन है, तो हमें जल्दी से यहाँ पे देख के वापस जाना है। और ये बहुत ही सुंदर है। अगर आपको बहुत अच्छे से घूमना है तो थोड़ा टाइम निकाल के आना चाहिए, अदरवाइज़ इतना बहुत हरासमेंट हो जाता है इतना सारा घूमने में। घूमने की तो बहुत सारी जगह है यहाँ पे, सो टेक योर टाइम एंड एंजॉय। यहाँ पे जो ऊपर जाने का वे है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए वहाँ के जो लोकल्स होते होंगे, और यहाँ पे ये लोग सो पीस एंड समथिंग जो आप घर को डेकोरेट कर सकते हैं ये सब चीज़ें बेच रखते हैं। और यहाँ की फोर्ट पूरा दिख रहा है जयपुर यहाँ से। और हमें बहुत थक गए थे ऊपर चढ़ाई करने में, इतना ऊंचा है ये, पर यहाँ से व्यू बहुत ही मेसमराइजिंग है। बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करे हमने वहाँ पे, बहुत इन्जॉय किया एक्चुअल में।